21 मई 2021 को पंजाब के मोगा में मिग 21 फाइटर प्लेन क्रैश होता है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के एक पायलट शहीद हो जाते हैं, और ये घटना पहला नहीं है। मार्च 17 को एक कॉम्बैट ट्रेनिंग के दौरान मिग 21 टेकऑफ के समय ही आग पकड़ लेता है और वहां पर भी एक पायलट शहीद हो जाते हैं। जनवरी 5, 2021 में भी एक ऐसी ही सिमिलर घटना हुई थी और आप जान के हैरान हो जाएंगे, मिग 21 में ऐसी घटना बहुत पहले से ही लगातार होती रहती है। अब तक मिग 21 200 से भी ज्यादा पायलट एंड सिविलियन के मौत का कारण बन चुका है और इसी वजह से मिग 21 को फ्लाइंग कॉफिन या फिर विडो मेकर के नाम से भी पहचाना जाता है। पर क्यों, क्या प्रॉब्लम है मिग 21 में, और अगर इसमें प्रॉब्लम है तो गवर्नमेंट क्यों इसे रिप्लेस नहीं कर देता, आज तक क्यों जवानों की जान को खतरे में डाला जा रहा है। और आज मैं इसी के बारे में आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, इसीलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग हमारे मिलिट्री के बारे में डिस्कशन करें और हमारे जवानों के सेफ्टी के बारे में गवर्नमेंट से एक पॉजिटिव सवाल पूछें। मिग 21 एयरक्राफ्ट एक सिंगल इंजन सिंगल सीटर मल्टी रोल फाइटर अटैक एयरक्राफ्ट है और इसे इंडिया में रशिया से लाया गया था। मिग 21 का टॉप स्पीड 2200 से भी ज्यादा है और ये अपने साथ 23mm के ट्विन बैरल कैनन के साथ साथ 4 R-60 क्लोज कॉम्बैट मिसाइल को भी कैरी कर सकता है। 1961 में इंडियन एयरफोर्स में मिग 21 को ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया गया और वैसा ही हुआ। इंडियन गवर्नमेंट ने रशिया से मिग 21 का सारे राइट्स खरीदे और इसे लोकल में भी असेंबली किया गया था। 1964 में इंडिया का पहला मिग 21 और इंडिया का पहला सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा था। 1965 इंडो पाक वार में पहली बार मिग 21 को रियल वार कंडीशन में टेस्ट किया गया और पॉजिटिव रेस्पॉन्स आने के कारण रशिया से मिग 21 का ऑर्डर को इंक्रीज किया गया और रिसेंटली बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी मिग 21 का अहम रोल था। मिग 21 जितना जल्दी दुश्मन को खत्म करता है उतना ही बदनाम है अपने पायलट को मौत के घाट उतारने का। पर क्यों, कुछ डिफेंस बेस्ड आर्टिकल मोर इंपोर्टेंटली इसके पीछे तीन कारण को दर्शाते हैं। सबसे बड़ा फॉल्ट इसके डिजाइन में इंजन को माना जाता है, क्योंकि इंजन और सर्ज लाइन बहुत क्लोजली काम करते हैं, जिसके वजह से एक छोटा सा बर्ड भी इंजन सर्ज या फिर इंजन फ्लेम आउट का कारण बनता है। लो एस्पेक्ट रेशियो भी इसके डिजाइन में एक बहुत बड़ा फ्लो है, जिस वजह से मैनूवरिंग में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। विद इंक्रीज इन वेट द अप्रोच स्पीड ऑल्सो नीड्स टू बी इंक्रीज, बट मिग 21 में ऐसा नहीं है। मिग 21 के वेट के रेशियो में पावर डिलीवरी बहुत ज्यादा कम है, जिसके वजह से इंडियन क्लाइमेट में इसे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में मिग 21 के पायलट को अपना पूरा दम लगा के एक स्टिक को पीछे धकेलना पड़ता है और कुछ सेकंड के डिले के बाद उसे फिर से आगे धकेल कर अपने कॉकपिट से निकलना पड़ता है, और ये डिले कम ऊंचाई में उड़ते वक्त बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होता है। एक्सपर्ट मानते हैं कि मिग 21 के इजेक्शन सीट हायर अल्टीट्यूड में तो सही से काम करते हैं, पर लोअर अल्टीट्यूड में बहुत बार फेल हो जाते हैं और इसी वजह से बहुत ज्यादा पायलट का डेथ कम अल्टीट्यूड में हो जाता है। क्या यही टेक्निकल फॉल्ट मिग 21 के बदनामी के जिम्मेदार हैं? बिल्कुल नहीं। एज ऑफ द मशीन इज अ वेरी बिग फैक्टर। 1971 इंडो चाइना वार के बाद जब पूरा दुनिया का एयरफोर्स मॉडर्नाइजेशन होने लगा, तब इंडिया के गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया 1980 के बाद मिग 21 को फेज बाय फेज रिटायर कर दिया जाएगा। वैसा हुआ भी कुछ हद तक। 2013 में मिग 21 एफएल को 50 साल पूरा होने के बाद रिटायर कर दिया गया, पर मिग 21 बाइजन आज तक इंडिया में काम कर रहा है। इतना पुराना मशीन क्या आज भी उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएगा? बिल्कुल नहीं। इसका इतना पुराना होने के वजह से भी मिग 21 के रिपेयरिंग में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, क्योंकि रशिया ने मिग 21 का प्रोडक्शन पूरी तरीके से बंद कर दिया है। इसीलिए जब भी मिग 21 का रिपेयरिंग आता है, इजराइल और यूक्रेन से सेकेंड हैंड प्रोडक्ट का यूज किया जाता है। मॉस्को ने बहुत बार इंडियन गवर्नमेंट को वार्न किया है कि इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा डेंजरस है, पर गवर्नमेंट सुने तो सही। इंडियन एयरफोर्स ने इससे छुटकारा पाने की बहुत ज्यादा कोशिश किया है, गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट किया है 114 नए एयरक्राफ्ट को लाने के लिए। तेजस को मिग 21 के जगह पर रिप्लेस करना था, पर थैंक्स टू द रेड टेप सिस्टम एंड पॉलिटिक्स इट इज डिलेड फॉर सो लॉन्ग टाइम।
फरवरी 2021 को इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से हाल को 48,000 करोड़ का अवार्ड किया गया 83 LCA MK-1A फाइटर जेट को बनाने के लिए, और उसको सप्लाई करने का टारगेट 2030 तक का रखा गया है। मतलब इतने साल और हैं जान जाने के लिए। और ये भी नहीं लगता कि राफेल बहुत जल्द मिग 21 को रिप्लेस करेगा और हमारी एयरफोर्स की जान ऐसी ही जाती रहेगी। क्या इन फाइटर प्लेन्स की प्रोडक्शन को और ज्यादा स्पीड अप नहीं किया जा सकता? राफेल को जल्द ही डिलीवरी करने का डिमांड क्यों नहीं रखा जा सकता? जब तक ये फाइटर प्लेन्स बन नहीं जाते, क्या दूसरा कोई फाइटर प्लेन को लीज पर नहीं लाया जा सकता? गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। जब हर दूसरे कंट्री के डिफेंस बजट उस कंट्री के जीडीपी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, तो इंडिया में वैसा क्यों नहीं? क्यों गवर्नमेंट इन फ्लाइंग कॉफिन के बारे में सीरियसली सोच नहीं रहा है? अगर सोच भी रहा है तो स्टेप्स लेने में इतना ज्यादा डिले क्यों कर रहा है? क्या गवर्नमेंट से सवाल पूछना नहीं बनता है? और मैं सवाल पूछूंगा। और मैं हमेशा ऐसे ही सेंसिटिव टॉपिक्स के ऊपर वीडियो बनाता हूँ जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता, इसलिए प्लीज इस वीडियो को हर एक जगह पर शेयर करें ताकि लोग जागरूक बनके गवर्नमेंट को एक पॉजिटिव सवाल पूछे। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए यहाँ पर क्लिक करें और ऐसे ही पॉजिटिव वीडियोज देखने के लिए यहाँ पर।